उनको याद करते हुए एक पल के लिए यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। वो एक साथियों, हमारे बीच में हमारे जुझारू नेता जब हम वहां पहुंचे, हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी सेवा के उस सेवा का जो उसको जुनून था, उस सेवा के जुनून से उसको लगता था कि शायद हमारी ये सेवा लोगों को स्वीकार होगी और हमारे कदम के साथ कदम लेके चलेंगे। लेकिन अफसोस है उन दरिंदों पे, उन ना इंसानों पे, उन जंगली हैवानों पे जिनको इस चीज की कदर भी नहीं आई। आप उनकी वीडियोग्राफी देखिए, आप उनके एल्बम्स देखिए, वो कोई भी दिन नहीं होता जो 10 गरीबों को वहां जाके मुराद नहीं देता था। गैस सिलेंडरों के सिलेंडर, मुझे लगता कोई भी गरीब घराना बांडीपोरा में नहीं रहा होगा जिसके घर में उन्होंने गैस नहीं पहुंचाया। उन्होंने शहीद किया, वो बहुत ही ज्यादा दुखद और परेशान करने वाली घटना थी। आज हम जिस लिए से यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, उसका मकसद यही है कि हमारा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत है और इसको हम पूरी तरह से कंडम करते हैं। इसमें कोई भी जो भारतीय है वो कोई भी इसको साथ नहीं देगा। जो कल तक एक चमकता हुआ तारा आसमान पे था, कल जालिमों ने उस तारे को इस अफक से गायब कर दिया। लेकिन साथियों, जब आप भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री देखोगे, ये आज ही नहीं 90 की दहाइयों से हम शहादत देते आ रहे हैं, हम कुर्बानी देते आ रहे हैं। लेकिन जब हमारा एक साथी शहीद होता है, हमारा एक लीडर शहीद होता है, उसके पीछे हमारे 1,00,000 नए मेंबर पैदा होते हैं। आप देखिए, जब हैदर नूरानी साहब को शहीद किया गया, अगर पुलिस वाला मरता है तो कश्मीरी मरता है। कश्मीर को इन्होंने सियासी का अड्डा बनाया है। एक ही हमारे लीडर हमारे देश में पैदा हुए, श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 5 अगस्त के बाद उन ताकतों को बता दिया कि आप कहाँ हैं और ये देश जो है यहाँ एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, जो 1951 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के, आज वो बिल्लू में छुप गए। पूरी कश्मीर घाटी के अंदर आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता शहीद शेख वसीम बारी साहब, उनके भाई उमर सुल्तान साहब, उनके पिताजी बशीर शेख साहब को आज हर जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। कश्मीर घाटी के हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज लोग वसीम बारी साहब और उनके परिवारजनों को सलूट कर रहे हैं, उनके देशभक्ति के जज्बे को। वो एक बहुत वतन परस्त परिवार था जिन्होंने पूरी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने मुल्क हिंदुस्तान की, भारत की सेवा की। आज पूरा हिंदुस्तान शेख वसीम बारी साहब और उनके परिवार को सजदा करता है, उनको सलूट करता है। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने चोरी छिपे पीठ पर वार किया और शेख वसीम वारी साहब और उनके परिवार के लोग शहीद हो गए। वो एक जांबाज सिपाही थे
जो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जिए और अपने मुल्क के लिए उन्होंने शहादत दी। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश कर रहा है, लगातार छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के माता पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, उनका कत्ल करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की किसी साजिश को हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को विफल करेंगे। ये जो सिक्योरिटी लैप्स की बात आ रही है, इस मामले की तहकीकात छानबीन यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऑर्डर्स दिए हैं, और इस इंक्वायरी के बाद जो भी इस सारी घटना का साजिश करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं चाहे इंटेलिजेंस फेलियर है या सिक्योरिटी लैप्स, वो कहीं ना कहीं हुआ है जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात हुई है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार। इंसानी जाने बड़ी महत्वपूर्ण है, सबका जान और माल की हिफाजत करना एडमिनिस्ट्रेशन का और विशेषकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, उनका काम रहता है। और हमें विश्वास है इस सारी जानकारी के बाद, इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी मामला सामने आएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।